हेलो दोस्तों, आज मैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक मलयपुर में हूं और लोग अपना लोन तो ले लेते हैं लेकिन समय पे कर चुकाने से डरते हैं, ब्रांच मैनेजर से मिलने से हिचकते हैं। लेकिन जीवन में पहली बार ऐसे बैंक मैनेजर से और ब्रांच मैनेजर से मिला हूं कि सबको बेधड़क मिलना चाहिए और अपना जो भी है कर्ज क्या जो लिए हैं वो देना है और इतना सपोर्ट करते हैं। मैं कभी तकरीबन अभी 2 घंटे से बैंक में हूँ, इतना अच्छा कोऑपरेशन कि अपना पैसा लगा के दूसरे का मतलब कि लोन चुका रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मैं इतना चाहूँगा कि बेझिझक मिलिए और अपना जो भी लोन जो लिए हैं वो देना है और उस पर भी जितना सर के तरफ से हेल्प होगा, क्योंकि एक बैंक मैनेजर एक अपने ब्रांच में इनका बहुत पावर है और आपकी भलाई के लिए गरीब इंसान के लिए अपना ये सब कुछ पावर लगा देंगे। सर बोलिए, जो कर्ज जो लोन धारी है उसके लिए धारक है जो हमारे बैंक से जो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से जो भी कर्ज धारक जो लोन ले चुके हैं और वो जो ऋण को चुका नहीं पा रहे हैं उसके लिए विशेष ऑफर और विशेष छूट दिया जा रहा है जो कि कचहरी में कल लोक अदालत कल लगने वाला है। इसमें कि काफ़ी रियायत दिया जाएगा हर एक किसान को, केसीसी होल्डर जो भी हैं हमारे, चाहे विभिन्न विभिन्न प्रकार के जिनके भी लोन हो चुके हैं हमारे बैंक से, सारे लोगों का जो है समझौता होना है कल के डेट में और काफ़ी रियायत हमारे बैंक की ओर से जो है दिया जा रहा है। और किसी भी तरह का जो लोन का आवश्यकता है किसी भी ग्राहक को जो कि हमारे बैंक से जो जुड़े हुए हैं, जैसे आवास ऋण हो, मोटरसाइकिल ऋण हो, आवास ऋण हो, स्कूटी ऋण हो, सब के लिए हमारे पास सब कुछ का व्यवस्था है। और हमारे पास जो है इस ग्रामीण बैंक में देखा जाए तो जो हमारा नेशनलाइज बैंक के पास है वो हमारे पास भी है, RTGS, नेफ्ट, चेकबुक, ATM, सारा कुछ अवेलेबल है हमारे पास, सब कुछ कर सकते हैं हम लोग 1 करोड़ तक जो हम लोग लोन दे सकते हैं, उससे अधिक अमाउंट तक का हम लोग लोन दे सकते हैं। बस कस्टमर को जिस तरह से ईमानदारी से हम लोग देते हैं, ईमानदारी से उतना चुकाएं, बैंक उनके साथ हमेशा साथ रहेगा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। सर आपसे मिलने के बाद लग रहा है कि जो भी बिचौलिए होते हैं जिनके द्वारा लोन मिलता है वो अब जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अब लग रहा है क्या मतलब कि सब कुछ नए सिरे से हो रहा है और आप ऐसे ही बने रहिए, लोगों को भला करते रहिए और मैं इसी के साथ इस तरह के वीडियो में और बराबर बनाता रहूँगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब में कमी ना करें। जय हिंद, जय भारत।